हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोसालिया में 3,400 लीटर अवैध बायोडीजल सहित पिकअप में टंकी एवं ट्रैक्टर टैंकर जब्त। सिरोही के जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा के सुपरविजन में अवैध रूप से बायोडीजल के व्यापार एवं परिवहन करने के विरुद्ध कार्रवाई के अभियान के तहत सिरोही वृत्त अधिकारी मदन सिंह ने मई जाप्ता 8 नवंबर को उद्मन स्थिति श्री कृष्ण होटल में एक पिकअप वाहन में टंकी एवं एक ट्रैक्टर के टैंकर को जब्त कर उनमें भरा कुल 3,400 लीटर अवैध बायोडीजल बरामद करने में सफलता हासिल की गई है। पुलिस के अनुसार दिनांक 7 व 8 नवंबर की रात्रि को दौरान गश्त पुलिस द्वारा श्री कृष्णा होटल सरहद उत्मन पर एक बोलेरो पिकअप के पीछे लगी लोहे की टंकी में चालक दोलाराम पुत्र राम रक जाति विशोई निवासी जुड़ पुलिस थाना मथानिया जिला जोधपुर खलासी मेकाराम पुत्र करना राम जाति विशोई निवासी कांकाणी पुलिस थाना लूनी जिला जोधपुर द्वारा अवैध रूप से भरा 3,100 लीटर बायोडीजल एवं होटल ओमा राम पुत्र बस्ती राम जाति चौधरी व पोला राम पुत्र बस्ती राम जाति चौधरी द्वारा ट्रैक्टर में भरा 300 लीटर बायोडीजल बरामद कर धारा 102 देव प्र स के तहत जब्त किया गया। जागरूक टीवी की पोसालिया से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।